नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। रूपवास कस्बे के पुलिस थाना परिसर में थाना अधिकारी भोजाराम के नेतृत्व में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रमुख त्यौहार ईद को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों से कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए अपने अपने घरों में रहकर ईद मनाने की बात कहते हुए ईद की शुभकामनाएं दी और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की भी पूरी बात कही। इस मौके पर विनोद गर्ग, अहमद हुसैन, अब्दुल इसाद खान, विजय सिंह, सूरज राम, सुगन मीणा एवं अन्य पुलिस प्रशासन मौजूद था। आजकल देश में जो बीमारी चल रही कोरोना नामक, उसकी से बचाव के लिए सभी जो हमारी ईद उल फितर है उसको ईद उल जुहा उसको मतलब गाइडलाइन से ईद कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से मनाने का मतलब निर्णय लिया गया। और चाहे गोवर्धन यात्रा चाहे कोई यात्रा हो, सभी में कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। हम इससे सहमत हैं और करेंगे। आगे भविष्य में जैसा सरकार निर्देश देगी हम उसकी पालना करेंगे। कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, उससे बचाव का यही उपाय है कि 2 गज दूरी मास्क जरूर। भरतपुर से कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।